टॉपिक देखा था दैट वाज नेस्टेड फॉर लूप, करेक्ट? हमने नेस्टेड फॉर लूप देखा था। तो नेस्टेड नेस्टेड फॉर लूप कैसे वर्क करता है? जैसे हम आउटर फॉर लूप देते, आउटर फॉर लूप में गई जहाँ पर हमने कुछ लेट्स से इंटीजर आई इक्वल्स, या फिर लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ये इनिशियल कंडीशन रहेगी, ये इनिशियल कंडीशन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन टू बी चेक या फिर फाइनल कंडीशन, जो भी बोलना है। लेट्स से लेट्स गिव इट कंडीशन टू बी चेक, हम यहाँ पर कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में हमारा क्या होगा, या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट का लॉजिक रहेगा, राइट? सो यहाँ पर आपने फॉर लूप गई स्टार्ट किया, फॉर लूप के अंडर आप आ गए, इसके अंडर फिर से आपने एक बार फॉर लूप लिख दिया, ठीक है। अगेन यू हैव द फॉर लूप। सिमिलरली गाइस मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को हम लोग पेस्ट कर देते हो या ठीक है, ये हमारा इनर फॉर लूप रहा। तो एग्जैक्टली आपका नेस्टेड फॉर लूप कैसे वर्क करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में कल लास्ट डे बिफोर यस्टरडे हमने आइडिया लिया ही था कि इनिशियल कंडीशन में हम कुछ कंडीशन देंगे, ये कंडीशन चेक होते रहेगा, अगर कंडीशन ठीक है करेक्ट है तो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलते रहेगा, राइट? आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट चलते रहेगा। यहाँ पर भी गाइस अगर आप देखोगे, पहला स्टार्ट होगा ये फॉर लूप से, फॉर लूप में इनिशियल कंडीशन ठीक है, अगर आपका कंडीशन मैच हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, आप फॉर लूप में गए, फॉर लूप में जाते ही फिर से आपको यहाँ पर अगेन यू गॉट द फॉर लूप, फिर से आपको फॉर लूप मिल गया, करेक्ट? तो फॉर लूप में आपने फिर से इनिशियल कंडीशन दे दिया, फिर से आपने कंडीशन टू बी चेक बोला, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बोला, यहाँ पर भी गाइस एक पर्टिकुलर फॉर लूप है, राइट? तो जब तक ये फॉर लूप एंड नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल ये फॉर लूप कंप्लीट नहीं होगा, एंटायरली ये ब्रेक नहीं होगा, आप एक्सटर्नल फॉर लूप का जो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट है यहाँ पर नहीं जाओगे, करेक्ट? याद आ रहा है ना गाइस, द वन वी टॉक्ड अबाउट अ डे बिफोर यस्टरडे, ये याद आ रहा है ना सबको गाइस, याद है ना? ओके, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर के बाद ये कंडीशन के पास जाएगा, अगर कंडीशन फिर से ट्रू हुआ और फिर से फॉर लूप में जाओगे, अगेन ये इंटरनल फॉर लूप आपका मल्टीपल टाइम रन होगा, एंड अनलेस एंड अनटिल जब तक गाइस आपका ये लूप ब्रेक नहीं होता, तब तक आप इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास नहीं जाओगे। लेट मी रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, दिस वन वी टॉक्ड अबाउट लास्ट टाइम, राइट? हमने इसके बारे में लास्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग लिया था। सो गाइस यही सेम प्रोग्राम मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार अंडरस्टैंड करवाता हूँ, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम बाद में नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाएंगे। हियर फॉर लूप हमने स्टार्ट किया इंटीजर आई इक्वल्स टू वन, मैंने आई शुड बी लेस देन फाइव सेवन बोला। सो गाइस मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, लेट मी से फोर। तो गाइस ये जो आउटर लूप है ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, ये नंबर ऑफ रोज के लिए मेंशन कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए मेंशन कर रहे हैं, जो आउटर वाला लूप है ये हम लोग नंबर ऑफ रोज के लिए मेंशन कर रहे हैं, मुझे चार रोज चाहिए था। तो ये वन वन से स्टार्ट होगा, वन इज लेस देन इक्वल्स टू फोर, और वन गाइस फर्स्ट रो में मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर नंबर ऑफ स्टार कितने चाहिए वो मैंने यहाँ पर प्रिंट किया। इसके लिए मैंने एक गाइस यहाँ पर इंटरनल फॉर लूप लिया, देन मैं प्रिंटर इन बोल दिया, एंड ये आई प्लस प्लस हो रहा है, राइट एवरीवन? समथिंग लाइक दिस, ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। सो लेट मी शो यू गाइस, लेट मी रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, और ये पर्टिकुलर प्रोग्राम देखो आपके लिए यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करके देगा। नाउ गाइस मैं जस्ट एक स्लाइट मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लिप लगा दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है? मैं ज़्यादा वेट नहीं लगाऊंगा, दो सेकेंड का वेट लगाऊंगा गाइस, आप समझने का ट्राई करना कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है? तो गाइस सबसे पहले थोड़ा सा ब्रूट फोर्स मेथड से इसको समझने का ट्राई करते हैं, दैट ये फॉर लूप है, इंटीजर आई इक्वल्स टू वन है, ये वन आपका यहाँ पर चले गया, आई की वैल्यू वन है, वन इज लेस देन इक्वल्स टू फोर, कंडीशन थ्रू तो आप यस रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है? सो गाइस यहाँ पर आई की वैल्यू वन है, वन इज लेस देन इक्वल्स टू फोर, कंडीशन आपकी थ्रू है, आप लूप के अंडर एंटर कर गए, तो यहाँ पर आपका फॉर लूप आ गया। ये फॉर लूप आपने कॉलम्स के लिए लिखा है, तो देखो यहाँ पर इंटीजर जे इक्वल्स टू वन है,
वन इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव कंडीशन ट्रू, तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पहला स्टार प्रिंट करेगा, फिर 2 सेकेंड वेट करेगा, फिर उसके बाद जे प्लस प्लस पे जाएगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, लाइक दिस। ये आपका फॉर लूप, इंटरनल फॉर लूप चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा जब जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रही है। जब ये कंडीशन फेल हो गई, ब्रेक हो गई, आप इस वाले लूप से ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पे जाओगे, यहाँ से आपका कंट्रोल यहाँ पर जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आप सेकेंड रो पे आ जाओगे, सेकेंड रो पे अगेन दिस लूप इज गोइंग टू वर्क सिमिलरली, and that's how exactly we are going to get the output, right everyone? So let me run the program, देखो 2 सेकेंड वेट किया, then next second star, फिर third star, guys j की वैल्यू इंक्रीज हुई 4, फिर 5 हुई, फिर 6 हुई, 6 सेटिस्फाई नहीं हुआ, ब्रेक हो गया, नेक्स्ट लाइन पे आप चले गए, आप i की वैल्यू अभी 2 बन गई है, 2 इंक्रीज हो चुका है ना, लाइक दिस i की वैल्यू फिर इंक्रीज हो जाएगी, 3 बन जाएगी, है ना, तो आप थर्ड रो पे रहोगे, तो ये थर्ड रो के लिए सिमिलरली सिमिलर पैटर्न अप्रोच फॉलो करेगा, फोर्थ रो के लिए भी ये सिमिलर पैटर्न अप्रोच फॉलो करेगा, यू आर गेटिंग इट एवरीवन, समझ रहा है ना गाइस? कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नेस्टेड फॉर लूप में जो हमने देखा था गाइस, ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या सबको गाइस? एवरीवन, द लॉजिक विच वी हैव रिटन ऑन द स्क्रीन, ये क्लियर है क्या? व्हाई हम नेस्टेड फॉर लूप क्यों लगा रहे हैं, ये सबसे पहले क्लियर है क्या? और नेस्टेड फॉर लूप में आपका एक्सटर्नल फॉर लूप कब ब्रेक होगा और आपका इंटरनल फॉर लूप कब ब्रेक होगा, ये आइडिया क्लियर हो रहा है क्या आपको गाइस? ओके, लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम द बेस इटसेल्फ। जब आपका फॉर लूप यहाँ पर एक्सटर्नल फॉर लूप स्टार्ट होगा और ये जब सेटिस्फाई होगा तभी तो जाके आप इंटरनल फॉर लूप के अंडर चले जाओगे, राइट एवरीवन? ये लूप पे आप कब आओगे? जब आपका एक्सटर्नल लूप सेटिस्फाई होगा तभी तो जाके आप यहाँ पर एंट्री लेने वाले हो। यहाँ पर एंट्री लेने के बाद गाइस, जब तक ये आपका इंटरनल फॉर लूप चल रहा है तब तक ये चलते रहेगा, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक होने के बाद, सारी लाइंस एग्जीक्यूट होने के बाद, ये आउटर लूप इंक्रीमेंट होने जाएगा, ये फिर इंक्रीमेंट होगा, एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली योर कोड इज गोइंग टू वर्क। ओके, एंड नाउ थोड़ा सा हम अपने कोड को मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा हम इसको अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, एंड मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? नाउ हियर दैट डे गाइस, देखो ये लूप कौन सा है आपका, ये वाला जो लूप है ये कौन सा लूप है? ये आउटर लूप है, राइट? ये मैंने किसके लिए लिखा है गाइस? रोज के लिए लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पर गाइस आई की वैल्यू प्रिंट कर दूँ इंस्टेड ऑफ स्टार, अगर मैं आई की प्रिंट कर दूँ वैल्यू, तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए? ट्राई प्रिंट, क्या होना चाहिए? हर एक लाइन पे 1 1 1 2 2 2 ऐसा ही प्रिंट होगा गाइस, यस और नो? ऐसा ही होगा, यू आर गेटिंग इट, यस और नो? If you want, I can do one more thing here, guys. मैं thread dot slip लगा दे तो, for your understanding, ज़्यादा वेट नहीं लगाते, एक ही सेकेंड का वेट लगाते हैं, और यहाँ पर हम लोग i की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, ठीक है? नाउ देखो, आप फर्स्ट रो पे हो, फर्स्ट रो पे अभी i की वैल्यू 1 है ना गाइज, ये सुनो, सो ये i 5 टाइम प्रिंट करेगा, i की वैल्यू 2 हो गई, फिर ये इंटरनल लूप इसको 5 टाइम प्रिंट करेगा, करेक्ट एवरीवन? यू आर गेटिंग इट गाइस, यस और नो? ये 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 क्यों प्रिंट कर रहा है, ये क्लियर हो रहा है क्या सबको? नाउ अगर मुझे ये, लेट्स से मुझे ये जो वैल्यू है ये 7 टाइम चाहिए होता, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ये 1 वैल्यू 5 टाइम है, ठीक है, मुझे ये 7 टाइम चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 7 करना पड़ेगा, ठीक है, करके देखते हैं क्या ये सच में वर्क कर रहा है क्या। लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस वन, 1 2 3 4 5 6 7 वर्क कर रहा है गाइस, यस और नो? अंडरस्टैंडिंग आ रहा है सबको, एवरीवन? यू आर गेटिंग इट, राइट? यस। नाउ गाइस, इंस्टेड आई के जगह पे अगर मैं जे प्रिंट करूंगा तो
तो क्या होना चाहिए? हियर गाइस, आई के जगह पे अगर मैं जे प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, ये मुझे बताओ। ठीक है, ये वैल्यू कम कर देते, ये 7 कर देते, सॉरी 5 कर देते हैं। ठीक है, अभी मुझे बताओ क्या होगा अगर मैं जे की वैल्यू को प्रिंट करूंगा। देखो गाइस, आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन थ्रू आप अंदर आ गए। इंटीजर जे इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हुआ, जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। जे 1 से स्टार्ट हुआ, जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन थ्रू है ना, यस और नो? यस तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये जे को प्रिंट करेगा, जे की इनिशियली वैल्यू कितनी रहेगी? वन 1 रहेगी, तो पहला वन यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर गाइस प्रिंट लिखा है मैंने, ये 1 सेकेंड वेट करेगा, इसके बाद जे प्लस प्लस के पास जाएगा। जे प्लस प्लस जे की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके कितनी बन जाएगी अभी? ये बन टू जाएगी 2। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन थ्रू है, फिर से लूप में आ गए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जे, तो इसी के बाजू में ये क्या प्रिंट करेगा नाउ? जे की वैल्यू कितनी है? द वैल्यू इज 2। टू समझ रहे हो गाइस? नाउ ये देखो, यस थोड़ा सा ये क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 1 2 3 4 5 6, सॉरी मैंने 5 तक ही लिया है, राइट? सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू वर्क। क्लियर हो रहा है गाइस आपको? मैं जब आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ और मैं जे के वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, ये समझ रहा है क्या सबको? यस गॉट इट, गॉट इट? ओके, तो गाइस अगर मुझे नंबर फॉर्मेट चाहिए तो मैं नंबर फॉर्मेट के लिए या तो आई की वैल्यू यूज़ करूँ या तो जे की वैल्यू यूज़ करूँ। अगर मुझे स्टार फॉर्मेट चाहिए तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स में क्या लिख दूंगा? आई यूज़ द स्टार। यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 है, इसके जगह पे अभी ये क्या प्रिंट करेगा? इट विल प्रिंट द स्टार, स्टार स्टार है ना? जे के हिसाब से प्रिंट करेगा गाइस, इनर लूप के हिसाब से प्रिंट करेगा। और जो मैंने आउटर लूप लिखा है, दैट आई हैव रिटन इट फॉर द नंबर ऑफ रोज। क्लियर हो रहा है? कोई कन्फ्यूजन? पूजा, प्रीति, अंकिता, गायत्री, कोई क्वेश्चंस किसी को? एनीवन? एनीवन? आकाश, कोई क्वेरी सर है? यस एक बार बताइए ना कि फर्स्ट लाइन मतलब कि 1 2 3 4 ये कैसे मतलब, और एक बार बताइए। तो ये जो मैंने फॉर लूप लिखा फर्स्ट रो है, वाला हाँ, ये जो मैंने फॉर लूप लिखा है आउटर वाला लूप, ये मैंने लिखा है नंबर ऑफ रोज के लिए। ठीक है, तो देखो पहला मेरा प्रोग्राम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंडर आ गया। यहाँ पर मैंने फॉर लूप लिखा, आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 1, करेक्ट? 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है, तो मैं अंदर चले गया। अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक दूसरा लूप फिर से मिला, दैट इज फॉर लूप। इंटीजर जे इक्वल्स टू 1, जे की वैल्यू अभी 1 से स्टार्ट हुई, जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5, और ये जे प्लस प्लस है। तो जब मैं सिस्टम, तो देखो यहाँ पर जे की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू यहाँ पर आ गई, जे की वैल्यू है अभी 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो आप इस वाले लूप के ब्लॉक के अंडर चले गए, करेक्ट? तो नाउ ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसने स्टार को प्रिंट किया, मतलब यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला स्टार प्रिंट हुआ, ये फर्स्ट वाला स्टार प्रिंट हुआ, करेक्ट? फिर ये 1 सेकेंड वेट करेगा, 1 सेकेंड वेट करने के बाद ये यहाँ पर जाएगा ना जे प्लस प्लस पे। ये सुनो, आपका लूप कैसे चलता है? लूप ऐसे ही चलता है ना, ये यहाँ से वैल्यू यहाँ पर जाता है, इंक्रीमेंट, आपका कंडीशन चेक होता है, कंडीशन चेक हुआ तो आप लूप के अंडर आते हो। लूप के अंडर आने के बाद आप इस वाले ब्रैकेट से बाहर नहीं निकल सकते जब तक ये आपका कंडीशन थ्रू हो रहा है, करेक्ट? लॉजिक क्लियर है ना? ये जे वाला कंडीशन जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ये लूप में घूमेगा ना, यस और नो? ये रोटेट करेगा ना अपने आप को कि नहीं करेगा? नाउ ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, पहला स्टार प्रिंट किया, फिर 1 सेकेंड वेट किया, देन ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा। क्यों यहाँ पर जाएगा? क्योंकि फॉर लूप का आप लॉजिक देखो कि फॉर लूप वर्क कैसे करता है। व्हेन इट कम्स टू फॉर लूप का लॉजिक ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने फॉर लूप लिखा, यहाँ पर लेट्स से फॉर लूप के अंडर लाइन नंबर 1 है, मान के चलो स्टेटमेंट 1 है, यहाँ पर स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है, ऐसे मैंने 3 स्टेटमेंट लिखे हैं। ठीक है, तो जब इनिशियल कंडीशन, लेट्स से मैं इनिशियल कंडीशन को हटा देता हूँ,
मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर आई इक्वल्स टू, मैंने वन से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पर कंडीशन टू बी चेक को मैंने बोल दिया आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई प्लस प्लस, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया आई प्लस प्लस। तो नाउ जब ये स्टार्ट होगा आई इक्वल्स टू 1, 1, 1 इज लेस देन, आई की वैल्यू यहाँ पर आ गई, आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन थ्रू मैं लूप में गया। तो लूप में जाने के बाद ये फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर थर्ड स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ये तीनों स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद देखो इस फॉर लूप का ये एंट्री पॉइंट है और ये एग्जिट पॉइंट है। तो इसने एंट्री करने का क्राइटेरिया क्या है कि आपकी कंडीशन थ्रू हो गई, आपने एंट्री कर लिया लूप के अंडर। तो इसके बाद ये जो स्टेटमेंट्स है ये वन बाय वन सारे एग्जीक्यूट होंगे, बट इसके बाहर आप नहीं निकल सकते, लूप के बाहर नहीं निकल सकते। ये तीनों स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद, सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद ये यहाँ पर जाएगा, मेक सेंस, इंक्रीमेंट करेगा, करेक्ट। नाउ आई की वैल्यू अभी 2 बन जाएगी, तो सेकेंड टाइम ये आई की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन थ्रू है। अगर कंडीशन थ्रू है तो आप ब्लॉक में जाओगे, फिर से ये जो 1, 2, 3 स्टेटमेंट है ये फिर से रन होंगे। मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी लाइन ऑफ कोड हो सकता है। तो ये तीनों लाइन ऑफ कोड रन होगा, बट ये बाहर निकल सकता है क्या खुद से, इससे बाहर आ सकता है क्या? नहीं। ये कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे। फिर आई की वैल्यू 3 बनेगी, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन थ्रू है, तो ये स्टेटमेंट 1, 2, 3 फिर से रन होंगे कि नहीं होंगे? ये सुनो, मेक सेंस। फिर ये यहाँ पर जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 4 बनेगी, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन थ्रू, आप लूप में आ गए, ये स्टेटमेंट फिर से 3 बार रन होगा। यहाँ से फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 5 बनेगी, 5 लेस नहीं है बट इक्वल है, फिर भी कंडीशन थ्रू है, आप फिर से लूप में चले गए, ये फिर से 3 टाइम रन होगा, 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट रन होंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जाओगे, आई की वैल्यू कितनी बन जाएगी अभी? नाउ आई की वैल्यू विल बी 6, करेक्ट। अभी मुझे बताओ ये 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, इस बार कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो आप लूप में एंट्री ही नहीं करोगे, लूप से बाहर निकल जाओगे, ये जो आपका ये वाला ब्रैकेट है इससे आप बाहर निकल जाओगे। यू गॉट इट राइट? ये फॉर लूप का लॉजिक है। अभी ये फॉर लूप का जब लॉजिक है ऐसा, तो हमने यहाँ तक देखो, यहाँ तक हमने जो कोड किया था ये कोड कुछ ऐसा है। देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं बोल रहा हूँ हेलो, मैं पहले बोल रहा हूँ हाई, मैं सेकेंड वाले स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ लेट्स से हेलो, मैं यहाँ पर हेलो बोल रहा हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं बोल रहा हूँ हाउ आर यू, मैंने ऐसे 3 स्टेटमेंट लिखे। तो देखो ये और पहला वाला जो मैं 1, 2, 3 बोल रहा था, मैं ये 3 स्टेटमेंट्स की बात कर रहा था, राइट। नाउ देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके नॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं यहाँ पर वेट लगाता हूँ। इसको इंक्रीमेंट करने से पहले ना मैं थ्रेड डॉट स्लिप लगा देता हूँ, स्लिप में 2 सेकेंड का लगाता हूँ। तो आप अभी समझो आई की वैल्यू जब 1 है, आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन थ्रू है, आप लूप में आए, तो ये 1, 2, 3 स्टेटमेंट रन होंगे। इसके बाद ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट रन होगा, ये फोर्थ स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम को 2 सेकेंड वेट करवाएगा। इसके बाद ये यहाँ पर जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर ये मतलब जब तक ये कंडीशन पास हो रहा है तब तक आप लूप में आओगे, और जिस टाइम ये कंडीशन ब्रेक हो गया आप लूप से बाहर निकल जाओगे। दैट इज एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू डू नाउ, सी हियर, हेलो हाय, हेलो हाउ आर यू, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई, हाय हेलो हाउ आर यू, फिर से इंक्रीज हो गई, फिर से इंक्रीज हो गई, फिर से एक बार इंक्रीज होगी। एक बार इंक्रीज होने के बाद ये फिनिश हो जाएगा। नाउ फिनिश हो जाएगा हियर, मैं ऐसे बोलता हूँ, जब ये ब्रेक होके बाहर आएगा मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि लेट्स से एंड, या फिर लेट्स से लेट मी राइट डाउन फिनिश, मैं फिनिश करके लिखता हूँ ताकि आपको समझे कि ये फिनिश भी हो रहा है, ये लूप से बाहर भी आ रहा है। सो नाउ हियर हाय हेलो हाउ आर यू, 2 सेकेंड वेट किया, हाय हेलो हाउ आर यू, 2 सेकेंड वेट करेगा, फिर हाय हेलो हाउ आर यू, ये आई की वैल्यू 4 है। नाउ आई की वैल्यू 5 हो गई, जब 6 हो गई ब्रेक हो गया एंड इट सेट फिनिश, राइट, करेक्ट करेक्ट। बट अभी इस फॉर लूप को मैं मॉडिफाई क्या कर रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ, यहाँ पर मैं इस फॉर लूप के अंडर ये स्टेटमेंट लिखने लिखना था, बट इस स्टेटमेंट के जगह पे अगर मैं फिर से फॉर लूप लगा दूंगा,
तो फॉर लूप के अंडर लेट्स से मैंने यहाँ पर इंटीजर जे इक्वल्स टू कुछ वन लिखा, जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा थ्री और मैंने लिखा जे प्लस प्लस, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। सो नाउ अभी यहाँ पर देखो इस वाले कॉन्सेप्ट को बोला जाता है, इस वाले कॉन्सेप्ट को बोला जाता है नेस्टेड फॉर लूप। क्यों नेस्टेड फॉर लूप? क्योंकि आपका पहले लाइन नंबर 5 रन होगा, 5 के बाद 6 पे तो कुछ नहीं, ये 7 पे जाएगा। जब ये 7 पे जाएगा, जब ये आपका आउटर लूप सेटिस्फाई होगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, तभी तो आप अंदर जा पाओगे लूप के अंदर। मेक सेंस एवरीवन? मेक सेंस? जब फर्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू था, आप लूप के अंदर चले गए, ये वाले आउटर वाले देखो, ये लाइन नंबर 8 से लेके, ये वाला जो पार्ट है 8 से लेके लाइन नंबर 13 तक, ये इसकी बाउंड्री है। अभी आप लूप के अंडर आ गए, लूप के अंडर फिर से आपको कौन सा लूप मिला? अगेन कौन सा लूप मिला आपको? अगेन आपको फॉर लूप मिला, राइट। नाउ ऐसा जो कॉन्सेप्ट होता है इसको नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। जब आप नेस्टेड फॉर लूप पे आओगे तो इसका मीनिंग क्या है? लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। I'm saying, let's say मैं J को प्रिंट कर रहा हूँ, I'm printing the J, मैं J की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ ना, फिर से 2 सेकेंड का वेट लगाता हूँ, लेट्स से मैं 3 सेकेंड का वेट लगाता हूँ ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। नाउ देखो, जब ये प्रोग्राम रन होगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन थ्रू, मैं लूप के अंडर आ गया, और ये लूप जब तक ब्रेक नहीं होगा, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं यहाँ पर जा सकता हूँ क्या? इज इट पॉसिबल? ये इसी की तरह है, जब ये तीनों स्टेटमेंट फिनिश होंगे तभी तो जाके आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे जाओगे, यस और नो? इन अ सेम वे नेस्टेड फॉर लूप भी जो है आपका, जब तक ये आपका फॉर लूप ब्रेक नहीं होगा तब तक आउटर वाला आई जो है ये इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो जब आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन थ्रू है, तो मैं अंदर चले गया, ठीक है, मैं अंदर चले गया। फॉर लूप मैंने इंटीजर जे इक्वल्स टू 1 लगाया, जे इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन थ्रू, मैं अंदर चले गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसने जे को प्रिंट करेगा, मतलब ये जे का जो वैल्यू है, जे का वैल्यू कितना है अभी? द जे का वैल्यू इज 1, करेक्ट, जे का वैल्यू इज 1, तो ये 1 को प्रिंट करेगा, प्रिंट करके ये 3 सेकेंड वेट करेगा, सॉरी माय बैड गाइस, मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन क्यों लगाया, आई नीड टू राइट डाउन थ्रेड डॉट, मुझे स्लीप लगाना है, मैं 3 सेकेंड का वेट लगाता हूँ। नाउ लेट मी डू इट वंस अगेन गाइस। सो ये इसने जे का वैल्यू प्रिंट किया, अभी ये जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन थ्रू, प्रिंट एलिन, इसने जे को प्रिंट किया लाइक दिस, ये इस तरीके से कर रहा है। ओके लेट मी स्टॉप दिस वन, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैं प्रिंट एलएन के जगह पे मैं प्रिंट लिखता हूँ, तो प्रिंट मुझे नेक्स्ट लाइन पे लेके नहीं जाएगा, एक ही लाइन पे प्रिंट करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, जब तक ये लूप ब्रेक नहीं होगा तब तक आप देखो, जब ये लूप ब्रेक होगा उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे जाओगे, नेक्स्ट लाइन पे जाओगे, फ्रेश लाइन पे, फिर ये इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू अभी 2 बन गई, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर ये आप लूप के अंडर गए, ये लूप फिर से रन होगा, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाओगे, लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू वर्क, क्लियर? तो ये जो मैंने आउटर लूप लिखा है, ये जो आउटर लूप लिखा है, ये मैंने क्यों लिखा है? सो दिस लूप मैंने लिखने का रीजन ऐसा है कि आप टेबल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। आपका अगर टेबल कुछ ऐसा है, अगर इस टेबल में मुझे कुछ डेटा स्टोर करना है, लेट्स से ये आपका कुछ डेटा है, ओके ये आपका कुछ डेटा है, या फिर गाइज आई कैन यूज एक्सेल एज वेल इफ़ यू वॉन्ट, थोड़ा सा ईजी भी हो जाएगा, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा। देखो मेरे पास ये 5 कॉलम्स है और मेरे पास रोज है, मान के चलो कुछ रो है मेरे पास। रो क्या होता है? हॉरिजेंटल पार्ट होता है टेबल का, ये सुनो, टेबल का हॉरिजेंटल जो पार्ट होता है वो रो होता है। तो मेरे पास अभी कितने रो अवेलेबल है? हियर मेरे पास ये रो नंबर 1 है, करेक्ट, दिस इज माई रो नंबर 1, ये मेरा रो नंबर 2 है, करेक्ट गाइस एवरीवन, दिस इज माय रो नंबर 3, यस और नो? ये मेरा रो नंबर 3 है और ये मेरा रो नंबर 4 है। सो आई हैव दीज रोज, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, ये मेरे पास 4 रो है। और मेरे पास हर एक रो में कॉलम है, जैसे कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 2,
यहाँ पर है कॉलम थ्री, यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज कॉलम फोर एंड हियर वी हैव कॉलम फाइव. यू आर गेटिंग इट एवरीवन? आपके पास कॉलम फाइव भी है. सो व्हेन यू हैव, तो देखो ये जो मेरा एक्सटर्नल फॉर लूप है, ये जो मेरा एक्सटर्नल फॉर लूप है, ये वाला आई वाला लूप, ये मैंने किसके लिए लगाया? ये मैंने रोज के लिए लगाया. मुझे कितने रोज चाहिए थे? फॉर एग्जाम्पल मुझे चार रोज चाहिए. सो मैं आई इक्वल्स टू वन, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू फोर, आई प्लस प्लस बोलूंगा, तो मुझे कितना रो मिलेगा? हाउ मेनी रोज आई एम गोइंग टू गेट? आई एम गोइंग टू गेट फोर फोर रोज, है ना? तो मुझे चार रोज चाहिए था. देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर चार रोज चाहिए था, 1 2 3 4, ये चार रोज मैंने प्रिंट कर दिया. अभी मुझे, ओके हियर मुझे चार रोज चाहिए था और मुझे कॉलम कितने चाहिए थे? 1 2 3 4 5. तो अगर मुझे फाइव कॉलम चाहिए थे, तो गाइस इंटरनली यहाँ पर मैं जे इक्वल्स टू वन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जे इक्वल्स टू, जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू फाइव बोलूंगा, तो हर एक रो पे कितना कॉलम प्रिंट होगा? द नंबर ऑफ कॉलम इज गोइंग टू प्रिंट इज फाइव। फाइव कॉलम. इसीलिए मैंने ये इंटरनल लूप लिखा. एंड ये सिर्फ स्टेटमेंट मैं नेक्स्ट लाइन पे, फर्स्ट लाइन से मुझे सेकेंड लाइन पे लेके जाना, इसीलिए मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. नाउ अगर मैं ये प्रोग्राम रन करूंगा तो आई गेट दिस आउटपुट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. यू आर गेटिंग इट? यू गॉट इट राइट एवरीवन? यस सर। नाउ दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि आप जो आउटर लूप है, आउटर लूप तब तक इंक्रीमेंट नहीं होगा या फिर तब तक फिर से नहीं आएगा जब तक ये लूप ब्रेक नहीं होगा. ये अंडरस्टैंडिंग ले लो. इनर लूप पहले ब्रेक होना चाहिए, ये स्टार्ट भी होना चाहिए, ये लूप रिपीट भी होना चाहिए, और ये कंडीशन है ये ब्रेक होनी चाहिए. द मोमेंट ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, यू विल रीच टू द नेक्स्ट लाइन, आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाओगे. यू गॉट इट राइट एवरीवन? यू गॉट इट राइट? यस ठीक है. नाउ यस सर। फिर ये इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर जाएगा, आउटर लूप पे जाएगा. तो जब तक आपका आउटर लूप चल रहा है आप अंदर जाओगे, फिर इनर लूप जब चलेगा, चल के आपका आउटर लूप इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, आपने जो लॉजिक लिखा है. जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक आप लूप के अंदर जाओगे. बट अगर ये लूप ही ब्रेक हो गया, अगर ये लूप ही ब्रेक हो गया, तो आप इस वाले फॉर लूप के अंडर जाओगे नहीं. तो अगर इसके अंडर नहीं जाओगे तो ये इनर वाले लूप का कोई रिलेशन आता है क्या? कोई भी सोचने की बात आती है क्या हमें? डेफिनेटली नो, कभी नहीं होगा, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा हमें. क्योंकि जब आपका एक्सटर्नल फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, डायरेक्टली आप 8 नंबर लाइन से लेके इसका 14 नंबर तक, इसका ये है क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ उसका बाउंड्री है, ब्रैकेट है. इसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर जंप करोगे, विच इज़ लाइन नंबर 17. क्लियर? क्लियर एवरीवन? नाउ मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट ऐसे करना है गाइस. ट्विस्ट में क्या कर रहा हूँ, देखो जब मैं जे की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि जे 1 से लेके 5 तक इंक्रीज कर रहा है. बट द मोमेंट मैं जब यहाँ पर आई बोल रहा हूँ, आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा है? इट इज़ प्रिंटिंग 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3 3 एंड 4 4 4 4 4. वाई वाई एग्जैक्टली? थोड़ा समझो. क्योंकि गाइस इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू. आई की वैल्यू 1 है, 1 थी, आप अंदर आ गए, फॉर लूप के अंदर आ गए. ये लूप कितने बार चलने वाला है? आगे देखो भी मत, इस लूप के कंडीशन को देख के मुझे बताओ, हाउ मेनी टाइम इट इज गोइंग टू रन? ये 5 टाइम रन होगा, फाइव है ना? और ये प्रिंट क्या करने वाला है? ये प्रिंट किसको करने वाला है? आई के वैल्यू को. अभी आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू कितनी है? 1. तो ये वन लूप 5 टाइम रन हुआ और आई की जो एग्जैक्टली वैल्यू थी, आई का जो वैल्यू था, उसको उसने 5 टाइम प्रिंट किया. मेक सेंस? मेक सेंस एवरीवन? यस नाउ यहाँ से ये आई प्लस प्लस पे गया, आई की वैल्यू इंक्रीज होके कितनी बन जाएगी? 2 बन टू जाएगी. 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन थ्रू. आप फिर से लूप में गए, तो अभी टू करंट वैल्यू आई की जो है वो है 2. तो ये लूप फिर से 5 टाइम रन होगा, तो ये 2 की वैल्यू 5 टाइम प्रिंट होगी कि नहीं होगी? एवरीवन ये सुनो, डेफिनेटली होगी. देन अगेन आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाओगे. नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद यहाँ पर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी. अगेन आप लूप के अंडर आओगे, ये 5 टाइम रन होगा, 3 की वैल्यू 5 टाइम प्रिंट करी. देन आई की वैल्यू अपडेट होके 4 बन गई, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है.
फोर की वैल्यू फिर से फाइव टाइम रन हो गया, आप नेक्स्ट लाइन पे गए, बट यहाँ पर आई की वैल्यू अपडेट होके फाइव बन गई, फाइव इज लेस देन इक्वल्स टू फोर कंडीशन थ्रू, आपका पूरा का पूरा लूप ब्रेक हो गया, आप यहाँ पर आ गए, इसने फिनिश प्रिंट किया, मेक सेंस? तो अगर मैं आई प्रिंट कर रहा हूँ, अगर मैं जे प्रिंट कर रहा हूँ और अगर मैं स्टार प्रिंट कर रहा हूँ, तो क्या डिफरेंस आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है क्या सबको गाइस? ठीक है, मुझे चलो मैंने यहाँ पर अगर मैंने ए प्रिंट किया गाइस, अगर मैंने यहाँ पर ए प्रिंट किया तो एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है गाइस? अगर मैंने ए प्रिंट किया तो एवरी टाइम इट इज गोइंग टू प्रिंट ए, यस और नो? यस और नो एवरीवन? इट इज प्रिंटिंग ए, करेक्ट करेक्ट एवरीवन? ये ए प्रिंट कर रहा है, राइट? एंड नाउ अगर मैं यहाँ पर दूसरा कोई सिंबल दे दूंगा, जैसे कि एट द रेट दे दिया, तो ये एवरी टाइम क्या प्रिंट करेगा? दिस इज गोइंग टू प्रिंट एट द रेट। अगर मैंने यहाँ पे स्टार प्रिंट किया तो ये एवरी टाइम मुझे क्या प्रिंट करके देगा? हर एक रो पे, चार रो है, चार रो में हर एक रो पे फाइव टाइम ये मुझे स्टार प्रिंट करके देगा, मेक सेंस? गॉट इट एवरीवन? नाउ लेट्स गो वन स्टेप अहेड, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं, एक स्टेप आगे जाते मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं गाइस? हमने आई के वैल्यू को देखा, हमने जे के वैल्यू को देखा, तो गाइस थोड़ा सा आप ठीक है, आई विल कम टू दैट पॉइंट एज वेल। अब थोड़ा सा एक समझो कि यहाँ पर कुछ ऐसा टेबल है, इस टेबल पे मुझे कुछ ऐसा करना है गाइस, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट कि मुझे लेट्स से गाइस यहाँ पर एक स्टार प्रिंट करना है, हियर मुझे एक स्टार प्रिंट करना है पहले लाइन पे, दूसरे लाइन पे मुझे दो स्टार प्रिंट करने, ठीक है, दो स्टार प्रिंट करने, तीसरे लाइन पे मुझे लेट्स से मुझे थ्री स्टार प्रिंट करने है, ओके एवरीवन? मुझे कुछ पैटर्न ऐसा बनाना है कि थर्ड रो पे मुझे तीन स्टार बनाने हैं और फोर्थ वाले रो पे मुझे कितने कितने गाइस स्टार बनाने हैं? आई नीड हाउ मेनी रोज, आई नीड सॉरी आई नीड फोर स्टार्स हियर, ठीक है? फिफ्थ कॉलम है ही नहीं ऐसे समझ लो, फिफ्थ कॉलम नहीं है अभी के लिए ऐसा समझ लो, या फिर एक रो बढ़ा लेते हैं अगर आपको चाहिए रहेगा तो, ऐसा कुछ लॉजिक है गाइस मेरा, ये मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये कैसे होगा? ये भी आपका नेस्टेड फॉर लूप से ही होने वाला है। सो लेट्स डू इट गाइस, पहले प्रोग्राम देखते हैं, फिर आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। यहाँ पर गाइस मैं चले गया न्यू क्लास, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ इसको प्रोग्राम, या फिर लेट मी से पैटर्न, पैटर्न वन करके मैं इसको नेम दे देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बोल देता हूँ, एंड लेट मी से फिनिश। तो ये जो पैटर्न है गाइस, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो सबसे पहले आपको कोई भी पैटर्न प्रोग्राम आता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए आपको, हाउ मेनी रोज वी रिक्वायर हियर, हमें रोज कितने चाहिए, वन टू थ्री एंड फोर, करेक्ट एवरीवन? मुझे फोर रोज चाहिए, तो अगर मुझे फोर रोज चाहिए तो मैं यहाँ पर तो एक्सटर्नल ये जो आई वाला लूप लगा रहा हूँ मैं, इंटीजर आई इक्वल्स टू वन, ये किसके लिए लगा रहा हूँ, रोज के लिए लगा रहा हूँ कि कॉलम्स के लिए लगा रहा हूँ? व्हाई आई एम पुटिंग दिस, आई एम रूल्स पुटिंग इट फॉर नंबर ऑफ रोज, तो मुझे रो की फोर जरूरत है, कितनी रोज चाहिए मुझे, हाउ मेनी रो आई वॉन्ट, आई नीड फोर। फोर तो क्या ये लॉजिक करेक्ट है गाइस? आई इक्वल्स टू वन, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू फोर, और आई प्लस प्लस, क्या ये मुझे फोर रोज देगा कि नहीं देगा, ये वाला लॉजिक गाइस, द वन आई एम आस्किंग फॉर, द वन विच आई हैव रिटन, ये चार टाइम रन होगा, ये केपेबल है कि उससे कम होगा कि उससे ज्यादा होगा? इंक्रीमेंट नहीं है, फोर टाइम प्रिंट करेगा, ठीक है? अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो लेट मी गो एंड लेट मी प्रिंट एल एन, मैं यहाँ पर आई को प्रिंट करके दिखाता हूँ। सो ये फोर टाइम प्रिंट कर रहा है, यस और नो? सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू प्रिंट फॉर द फोर टाइम, क्योंकि ये वन से स्टार्ट हो रहा है, वन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू फोर, मतलब ये फोर टाइम अपने आप को रिपीट करेगा। नाउ गाइस इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग, मैं यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट करूँ, मुझे क्या चाहिए था, मुझे सिर्फ ये नंबर ऑफ रोज के लिए चाहिए था, अभी मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स भी ढूंढने हैं, हाउ मेनी कॉलम्स आई वॉन्ट, तो मुझे कॉलम वन चाहिए, कॉलम टू चाहिए, मुझे कॉलम थ्री चाहिए, कॉलम फोर चाहिए, बस मुझे कॉलम भी कितने चाहिए गाइस, हाउ मेनी कॉलम्स आई वॉन्ट, आई नीड अगेन फोर कॉलम्स की मुझे जरूरत है। तो यहाँ पर गाइस फॉर लूप इंटीजर
जे इक्वल्स टू, मैं फोर से ओके मैं वन से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, मैं फोर बोलता हूँ और ये जे प्लस प्लस बोलता हूँ। तो गाइस देखो, अभी तक मैं वो कोड नहीं समझा रहा हूँ आपको, बट अगेन ये वाला जो लूप है ये भी कितने टाइम रन होगा, हाउ मेनी टाइम टाइम इट इज गोइंग टू रन, ये 4 टाइम रन होने वाला है। तो गाइस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन क्या है, पहले वाले रो पे कितने कितने कॉलम्स प्रिंट करने, मुझे कितने स्टार प्रिंट करने, वन, दूसरे वाले रो पे दो करने, तीसरे वाले रो पे फिर से 3 करने, चौथे वाले रो पे 4 करने। तो अगर ये रो एंड कॉलम का कंडीशन अगर आप देखोगे तो ये इक्वल है कि नहीं है, मुझे मैं जितने रो पे रहूंगा उतने ही मुझे कॉलम्स प्रिंट करने, यस और नो? तो इन शॉर्ट ये जो मेरा इंटरनल लूप है, ये इंटरनल लूप उतने ही टाइम चलना चाहिए जितनी आई की वैल्यू है, राइट? राइट एवरीवन? सो कैन आई से लाइक दिस, जे इक्वल्स टू वन, जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू आई, अगर मैं ऐसा बोलूंगा चलेगा क्या? विल इट वर्क? चलेगा ना? एंड नाउ गाइस व्हाट आई एम डूइंग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नॉट प्रिंट एलन, मैं प्रिंट करूंगा। प्रिंट में मैं क्या प्रिंट करूंगा गाइस, व्हाट आई विल प्रिंट, मुझे हर एक जगह पे क्या चाहिए, स्टार आई नीड द स्टार, तो मैं यहाँ पर स्टार प्रिंट करूंगा। अभी जब मेरा एक रो खत्म होगा, एक रो से दूसरे रो पे जाने के से पहले, आई प्लस प्लस करने से पहले मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है, यस और नो? तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बिना कुछ प्रिंट किए मुझे नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, करेक्ट एवरीवन? फिर मेरी आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी एंड आई विल गेट माई आउटपुट। लेट मी रन द कोड फॉर यू, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कोड का लॉजिक। सो आर वी गेटिंग एग्जैक्टली वॉट वी ट्राइड एवरी वन? आर वी गेटिंग एग्जैक्टली वॉट वी डिसाइडेड, यस और नो? वी आर गेटिंग इट और नॉट? आउटपुट करेक्ट आ रहा है गाइस, जो हमने डिसाइड किया था यही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द कोड, मुझे थोड़ा सा कोड आपको एक्सप्लेन करने दो। मैंने यहाँ पर आई इक्वल्स टू कितना बोला है, वन। आई की वैल्यू गाइस, गाइस करंटली आई की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? वन। वन इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन थ्रू। आप लूप के अंडर चले गए, तो लूप के अंडर चले जाने के बाद ये फॉर लूप, सबसे पहले तो फॉर लूप रन होगा कि नहीं होगा गाइस, ये सुनो, इंटरनल वाला। नाउ गाइस, इंटीजर जे इक्वल्स टू मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, वन से। नाउ जे की वैल्यू है 1, मैंने बोला जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू आई, कंडीशन देखो गाइस, यहाँ पर जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू आई, तो जे की वैल्यू भी 1 है और आई की वैल्यू कितनी थी गाइस करंटली, आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो जे की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, आई की भी वैल्यू 1 है, तो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो ये वाले लूप के अंडर मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? यस। डेफिनेटली जाऊंगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये स्टार प्रिंट किया इसने यहां पर, स्टार प्रिंट करने के बाद गाइज, यहाँ पर स्टार प्रिंट करने के बाद ये यहाँ पर आएगा, जे की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, यस और नो? करेगा। नाउ जे की वैल्यू कितनी बन गई गाइज, द जे का वैल्यू इज 2। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू आई, आई का करंट वैल्यू कितना था, आई का वैल्यू कितना था, 1 था, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी इस बार कि फॉल्स होगी? अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप फॉर लूप में जाओगे कि फॉर लूप से नेक्स्ट लाइन पे जाओगे? आप यहां पर गए नेक्स्ट लाइन पे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन ने, प्रिंट एलन क्या करेगा, यहां से आपका कंट्रोल सेकंड वाले लाइन पे लेके गया, यस और नो? ये नेक्स्ट लाइन पे लेके गया, यहां से गाइस आप आई प्लस प्लस पे जाओगे, आई की वैल्यू इंक्रीज होके, पहले वैल्यू 1 थी, 1 से इंक्रीज होके कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी, ये वैल्यू यहां पर आ गई, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? एवरीवन ट्रू। एवरीवन कंडीशन ट्रू है ना, तो कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंडर जाओगे कि लूप के बाहर जाओगे आप? अंडर। लूप के अंडर चले गए। नाउ वी आर अंडर द लूप, यहां पर फिर से फॉर लूप स्टार्ट हुआ, ये फॉर
जे का वैल्यू गाइज अगेन ये वन से स्टार्ट कर रहा है, जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू आई बोल रहा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ जे इक्वल्स टू वन से स्टार्ट हुआ, जे की वैल्यू यहाँ पर आ गई, जे की करंट वैल्यू कितनी है गाइज, द करंट वैल्यू ऑफ जे इज वन, वन इज लेस देन इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू कितनी है गाइज, आई की वैल्यू इज टू राइट नाउ, वन नहीं है ना, आई की वैल्यू अपडेट होके टू हो चुकी है ऑलरेडी, हम सेकेंड टाइम आए हैं, आई की वैल्यू टू है, तो जे का वैल्यू फिर से रिफ्रेश हुआ है यहाँ पर, जे वन से स्टार्ट हुआ, जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू आई, जे का वैल्यू है वन और आई का वैल्यू है टू, वन इज लेस देन इक्वल्स टू टू, कंडीशन ट्रू कि फॉल्स, वन वन जे का वैल्यू वन है और आई का वैल्यू टू है, वन इज लेस देन इक्वल्स टू टू, कंडीशन डेफिनेटली ट्रू है ना गाइस, फॉल्स कैसे होगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, वन इज लेस देन इक्वल्स टू टू है, आई की वैल्यू ग्रेटर है, आई की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो कंडीशन ट्रू, आप अंदर चले गए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसने पहला वाला स्टार प्रिंट किया यहाँ पर, फिर यहाँ से आप जे प्लस प्लस पे जाओगे एवरीवन, यस और नो, ये प्रिंट होने के बाद ये यहाँ से जे प्लस प्लस पे जाएगा, जे का वैल्यू इंक्रीज होके कितना बनेगा, जे का वैल्यू वन था, वन से इंक्रीज होके कितना बनेगा टू, अब जे का वैल्यू अपडेटेड यहाँ पर आ गया, टू इज लेस देन इक्वल्स टू आई, आई का वैल्यू भी कितना है टू ही है ना, तो टू लेस नहीं है बट इक्वल है, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है ना कि फॉल्स है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो आप लूप के अंडर चले गए, फिर से इसने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो ये इसने सेकेंड वाला स्टार प्रिंट किया, मेक सेंस, मेक सेंस एवरीवन। नाउ यहाँ से ये जे प्लस प्लस पे गया, जे का वैल्यू इंक्रीज होके कितना बन जाएगा, थ्री, नाउ थ्री वैल्यू यहाँ पर आ गया, थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू आई, आई का वैल्यू कितना था टू था, थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू टू, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, आपका लूप ब्रेक हो गया, आप इस वाले लाइन पे आ गए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आपको थर्ड वाले रो पे लेके गया ये, यहाँ से आई आप यहाँ पर चले गए, राइट एवरीवन, मेक सेंस। नाउ आई का वैल्यू इंक्रीज होके गाइस, आई का वैल्यू टू था लास्ट टाइम, टू से इंक्रीमेंट होके कितना बन जाएगा, करंट वैल्यू ऑफ आई थ्री, थ्री वैल्यू यहाँ पर आ गया, थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू फोर, कंडीशन थ्रू कि फॉल्स, कंडीशन थ्रू, आप लूप के अंडर चले गए। नाउ फॉर लूप फिर से स्टार्ट होगा, फॉर लूप गाइस फिर से रीसेट होगा ना कि नहीं होगा, ये सुनो क्योंकि आप फिर से लूप के अंदर आए हो, तो फिर से ये स्टार्ट कहाँ से करेगा, जे कहाँ से स्टार्ट करेगा, वन से स्टार्ट करेगा, ये कहाँ तक जाएगा, जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जाएगा, थ्री तक जाएगा, है ना, तो गाइस जे की वैल्यू वन है, वन इज लेस देन इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू है थ्री, कंडीशन थ्रू, कंडीशन थ्रू, तो आप लूप में गए, इसने प्रिंट एलन गाइस पहला वाला स्टार प्रिंट किया, फिर जे की वैल्यू इंक्रीज हो गई, जे की वैल्यू टू है, टू वैल्यू यहाँ पर आ गई, टू इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री, कंडीशन थ्रू है, फिर से आप अंडर चले गए, ये सेकेंड वाला स्टार प्रिंट हुआ, फिर जे प्लस प्लस आई, सॉरी गाइस जे की वैल्यू थ्री बन गई, थ्री वैल्यू यहाँ पर आ गई, थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री, कंडीशन थ्रू की फॉल्स, कंडीशन अभी भी ट्रू, आप अंदर चले गए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, थर्ड वाला स्टार प्रिंट किया, फिर ये यहाँ पर गया जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू इंक्रीज होके कितना बन जाएगा गाइस, फोर, फोर वैल्यू यहाँ पर आ गया, फोर इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, आपका लूप ब्रेक, आप फोर्थ रो पे चले गए, फोर्थ लाइन पे चले गए, फोर्थ रो पे चले गए, यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीज होके फिर से बन गई फोर, फोर इज लेस देन इक्वल्स टू फोर, कंडीशन थ्रू, आप फिर से अंदर आ गए, फिर से फॉर लूप ये रीसेट हो गया, ये वन से लेके अभी कहाँ तक जाएगा, वन से लेके कहाँ तक जाएगा गाइस, फोर तक जाएगा, और ये फोर स्टार प्रिंट करेगा, मेक सेंस, मेक सेंस टू एवरी वन, यस और नो, कोई कन्फ्यूजन किसी को, एनी वन, एनी वन, कोई कन्फ्यूजन लॉजिक में, प्रीति, पूजा, नेहा, गायत्री, अपूर्वा, कोई क्वेरीज गाइस आप लोगों को, गर्ल्स, बॉयज, आकाश, यतीश, राघव, तुषार, कोई कन्फ्यूजन, नो सर, क्लियर है सबको। नाउ अगर मुझे फाइव रो चाहिए होता, अगर मुझे फाइव रो चाहिए होता तो मुझे चेंज कहाँ पर करना है, आई में करना है कि जे में करना है, ये आप मुझे बताओ।
5 मिनट, आई की वैल्यू कितना करना पड़ेगा मुझे, 4 के जगह पे कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ रो मुझे 5 मिलेगा। तो अगर नंबर ऑफ रो 5 है तो ये भी अपडेट होगा कि नहीं होगा गाइस? ये सुनो, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गेट अपडेटेड बिकॉज इसका डिपेंडेंसी यहाँ पर भी है। देखो आप थोड़ा सा अच्छे से, तो ये ऐसा हो रहा है। अगर मैं 10 बोल दूंगा यहाँ पर तो गाइस क्या हो जाएगा? इफ आई से 10 तो क्या हो जाएगा? ये हमें 10 रोज तक लेके जाएगा ना, यस और नो? मेक सेंस यस गाइस? कोई कंफ्यूजन किसी को ना? गाइस अगर मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस स्टार अगर मैं यहाँ पर आई प्रिंट करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, ये आप मुझे बताओ। थोड़ा विजुअलाइज करो गाइस, वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट वाले रो पे क्या आएगा? ऑफ आई वन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? टू 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 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? थ्री थ्री टाइम थ्री थ्री आएगा। यहाँ पर 4 टाइम 4 आएगा। मेक सेंस एवरीवन? मेक सेंस ना? लेट्स यस। रन दिस वंस अगेन एंड लेट्स सी, करेक्ट आ रहा है? अच्छा, ये 10 को थोड़ा सा क्योंकि वो डबल लाइन हो गया गाइस, लेट मी राइट टिल 9 और मुझे फिर से एक बार रन करने दो। नाउ हियर यू कैन सी 1 से लेके 9 तक ये प्रिंट कर रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर जे प्रिंट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? व्हाट शुड बी द आउटपुट? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 करेक्ट एवरीवन? ऐसे ही होगा ना, यस क्योंकि जे की वैल्यू 1 से लेके अपडेट होगी। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, राइट एवरीवन? सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली योर नंबर्स आर गोइंग टू गेट प्रिंटेड। तो नंबर रहे, कैरेक्टर रहे, कुछ भी रहे, वी कैन डू इट वेरी सिंपली गाइज, वी कैन डू इट। बट सिंपल, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको लूप का लॉजिक क्या लगाना है। पहले लॉजिक सीखो और भी धीरे धीरे वी आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, डोंट वरी। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ प्रोग्राम्स एवरीवन। कोई कन्फ्यूजन इसमें किसी को इस वाले पैटर्न में गाइज? ये था आपका इंक्रीमेंट स्टार पैटर्न। इंक्रीमेंटेड स्टार पैटर्न में किसी को प्रॉब्लम है? एनीवन? कोई भी गाइस, गाइस, गर्ल्स, बॉयज, एनीवन? आर वी गुड एवरीवन? कोई क्वेरी है सचिन? कोई नो सर, क्वेश्चन और किसी को? प्रीति, कोई नो क्वेरी? सर, दीपाली, कोई क्वेश्चन? ठीक है, सबको कंफर्टेबल है ये? अंकिता, कई क्वेश्चंस आए तर सांगा, घाबरू नका कोणी गाइस। इट्स आई मीन लाइक वी आर ओपन हियर, आस्क एनीथिंग व्हाट यू वांटेड टू आस्क, डेफिनेटली पूछो। बट डेफिनेटली गाइस अगर आपको समझा है ना तो आप इसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। फिर ऐसा मत करना गाइस कि आप मुझे एक हफ्ते बाद पूछना कि ये कैसे हुआ, आज सीखा है आज ही डाउट पूछो। नहीं है, घर पे प्रैक्टिस करो, कल मुझे पूछो, चलेगा। एक दो दिन में पूछोगे तो शायद मैं रिवाइज भी कर पाऊँ, बट अगर आप बहुत दिनों बाद बोलोगे तो बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा गाइस आपके डाउट में। सो ऐसा मत करना, खुद का भी टाइम वेस्ट मत करना, बाकी किसी का डाउट भी मतलब टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपका स्टिल इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं हुआ है गाइस, डू इट टिल द वीकेंड। सैटरडे संडे में पूरा इंस्टॉलेशन खत्म करो, आप अपने प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करो और मंडे से गाइस गेट रेडी फॉर द प्रैक्टिस। मतलब वहां पर आपको भागना है गाइस, उसके बाद धीरे धीरे हमारा मतलब थोड़ा सा लेवल डिफिकल्टी इंक्रीज हो रहा है ना गाइस। ये सुनो, पहले दिन हम कहाँ थे, सेकेंड डे कहाँ थे और आज हम कहाँ पर है, आप खुद देख लो। धीरे धीरे इंक्रीज होगा, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा। ओके, कैन वी ट्राई वन मोर प्रोग्राम गाइस? अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो कैन वी ट्राई एवरीवन? सो मुझे गाइस ऐसा नहीं चाहिए, आई थिंक आई नीड अ काइंड ऑफ, मुझे थोड़ा सा, लेट मी डायमंड टेक द रेजर गाइस, थोड़ा सा इसका रिवर्स वर्जन लेते हैं। मतलब मुझे कुछ लॉजिक ऐसा चाहिए। आई विल टेल यू व्हाट आई वांट। ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं। अच्छा, नहीं हो रहा है, ठीक है, लेट इट बी। ओके, तो मेरा गाइस कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसा है। एक्सेल पे बना लो।
हाँ एक्सेल पे ही बना देंगे वही अच्छा। चलो ठीक है लेट इट बी, हो गया। गाइस मुझे फर्स्ट रो पे एक ही स्टार चाहिए बट यहाँ पर चाहिए, आई नीड द स्टार ओ य। सेकेंड रो पे चाहिए बट मुझे स्टार्स यहाँ पर चाहिए, ओके आई नीड द स्टार्स ओ य। थर्ड रो पे मुझे तीन स्टार चाहिए बट यहाँ पर चाहिए, आई नीड द स्टार्स ओ य। फोर्थ रो पे मुझे स्टार्स चाहिए बट ऐसे चाहिए, ये फर्स्ट वाला रो फर्स्ट वाला जो कॉलम है ना ये समझ लो कि ये है ही नहीं, और मुझे ऐसा पैटर्न चाहिए गाइस एग्जैक्टली इसके उल्टा। इससे थोड़ा सा मुझे रिवर्स रिवर्स में चाहिए गाइस, मुझे उल्टा चाहिए इसका पैटर्न, मुझे स्टार्ट एंड से करना है स्टार्ट से नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड वी डू? डिक्रीमेंट यूज करेंगे इंक्रीमेंट यूज करेंगे, ओके ठीक है कैसे करेंगे बताओ। यस गाइस आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, लेट मी गिव द थोड़ा सा प्रोग्राम का नाम चेंज कर देता हूँ, पैटर्न टू बोलता हूँ। क्या करना चाहिए मुझे बताओ आप। सचिन मैं यहाँ पर फॉर लूप लिखूँ राइट, मुझे चार रोज चाहिए तो लॉजिक क्या आना चाहिए? फॉर लूप इंटीजर आई इक्वल्स टू वन, आई शुड बी वन लेस देन इक्वल्स टू फोर, और आई प्लस ओके प्लस, यही बोल रहे हो करेक्ट? ओके यस फिर क्या करना पड़ेगा इनसाइड दिस, फिर से फॉर लूप ले लूँ ठीक है? क्या करना पड़ेगा? इंटीजर जी जी इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करूँ? सोचो सोचो गाइस थोड़ा सा सोचो। ओके ये तो क्लियर है सबको कि चार रो चाहिए, बट पहले कुछ नहीं प्रिंट होना है, लास्ट में कैसे प्रिंट करना है, कैसे स्टार्ट करोगे ये आपको सोचना है थोड़ा सा। ओके आई गिव यू हिंट गाइस, यहाँ पर ये वाले रो को हटा दो, इस सॉरी ये कॉलम को हटा दो, ये कॉलम है ही नहीं ऐसे समझो, ये कॉलम है ही नहीं हमारा। ओके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आप जब भी स्टार्ट करोगे फर्स्ट रो पे आपका कंट्रोल यहाँ पर रहेगा राइट एवरीवन? ये सुनो, यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर तो शिफ्ट नहीं हो सकते, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं ना, यहाँ पर कुछ स्पेस डाल देते चलेगा? ये जो लाइन है इसका मतलब है स्पेस, ऐसे समझो कि ये स्पेस है, चलेगा ना गाइस? ये सुनो यहाँ पर एक स्पेस ऐड कर देते, यहाँ पर दूसरा स्पेस ऐड करते, यहाँ पर तीसरा स्पेस ऐड करते, फिर स्टार को प्रिंट करते, फिर नेक्स्ट रो पे स्पेस को देखोगे थोड़ा सा तो यहाँ पर एक स्पेस और यहाँ पर दूसरा स्पेस, फिर नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा स्पेस। तो अभी थोड़ा सा एनालाइज करो इस पैटर्न को, आपको ये वाला पैटर्न आ सकता है क्या ड्रॉ करने के लिए? क्या ये वाला पैटर्न ड्रॉ करने आ सकता है क्या गाइस? तो ठीक है पहले ये वाला पैटर्न इसको भूल जाओ, क्या ये वाला पैटर्न पहले ट्राई करें गाइस? पहले रो पे तीन फिर दो फिर एक ऐसा कुछ ट्राई करें? कैन वी डू इट द फर्स्ट ऑफ ऑल? चलो पहले इसको ट्राई करते हैं। तो अभी इसका लॉजिक मुझे बताओ, करेक्ट सचिन आप करेक्ट जा रहे थे, क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे? ओके कैन आई राइट लाइक दिस, आई इक्वल्स टू मैं बोल दू वन, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू फोर, आई प्लस प्लस बोल दू, फिर मैं जे के लिए क्या बोल दू? फॉर लूप इंटीजर जे, मैं ऐसे बोलू जे शुड बी लेस, जो जे शुड जे इज इक्वल्स टू फोर, जे यस शुड सर बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, ऐसे बोल दू, एंड अगर है तो जे माइनस माइनस करूँ, कैन आई डू लाइक दिस? ऐसे कर सकता हूँ मैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हम यहाँ पर स्टार को प्रिंट करते हैं, एंड ये प्रिंट होने के बाद बिफोर हम बाहर चले जाए प्रिंट एल एन करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। नाउ लेट्स ट्राई दिस प्रोग्राम गाइस, वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। ओके सॉरी माई बैड, यहाँ पर प्रिंट एल एन नहीं देना था, मुझे प्रिंट देना था। लेट मी रन द कोड, तो अगर मैं ऐसे करूँगा गाइस ऐसा पैटर्न आ रहा है हमें एवरीवन? तो यहाँ पर अलग क्या किया हमने, वट वी हैव डन समथिंग डिफरेंट पहले वाले प्रोग्राम से, यहाँ पर क्या डिफरेंट किया है? यहाँ पर हमने आई इक्वल्स टू वन लिया डिक्रीमेंट है, वन जब आई की वैल्यू वन है, वन इज लेस देन इक्वल्स टू फोर, कंडीशन थ्रू आप अंदर चले गए, ये देखो जे इक्वल्स टू फोर है, जे की वैल्यू यहाँ पर आ गई फोर, फोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, कंडीशन थ्रू है तो आई की वैल्यू है वन,
और जे माइनस माइनस, मतलब गाइस जे की वैल्यू है 4, आई की वैल्यू है 1, तो पहले वाले रो पे ये डिक्रीमेंट कर करके कितने बार वैल्यू को प्रिंट करेगा, 4 बार करेगा, राइट। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होके 2 बन जाएगी, फिर ये लूप अंदर आ जाओगे, जे 4 से स्टार्ट होगा, बट ये 4 से लेके कहाँ तक जाएगा, 4, 3 और 2 तक जाएगा, मेक सेंस एवरीवन, ये 4, 3 और 2 तक जाएगा। फिर ये जे की वैल्यू, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये 4 से स्टार्ट होगा, 4 शुड बी ग्रेटर देन 3 तक जाएगा, तो ये 4 और 3 और फिर ये 4, ऐसे ही प्रिंट करेगा ना एवरीवन, यस और नो। सो इफ आई प्रिंट आई ओ यो, अगर मैं यहाँ पर आई प्रिंट करूँ तो आपको समझ जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, 1111, फिर 222, फिर 33, फिर 44। फिर अगर मैं यहाँ पर जे प्रिंट करूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, देखो गाइस थोड़ा सा देखो, जे की वैल्यू पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 4 3 2 4 3 एंड 4, यू आर गेटिंग इट एवरीवन, समझ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, बाउंसर गया, क्या बोल, यस क्या क्वेरी, हाँ हाँ उधर इंटीजर जे इज इक्वल टू 4, वो समझ में नहीं आया सर। तो मुझे डिक्रीमेंट ऑर्डर में ट्राई करना था ना, यहाँ पर मुझे किसी ना किसी की वैल्यू डिक्रीज करनी है ना, ये सुनो, देखो यहाँ पर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो ये मुझे बताओ ये जो पार्ट है ये आपका रो है, ये रो है कि कॉलम है, ये सारे कॉलम है ना, ये फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, फिर फोर्थ कॉलम, ये सुनो, राइट। मैं फर्स्ट रो पे हूँ, मुझे 4 कॉलम चाहिए, तो फिर 4 के बाद फिर 3 कॉलम चाहिए, फिर 2 कॉलम चाहिए, फिर 1 कॉलम चाहिए, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट कहाँ से किया इसको, आई स्टार्टेड इट फ्रॉम 4, फिर मैं यहाँ पर 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई तक जा रहा हूँ, मतलब जब आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, फिर 2 से 3 हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी, तब ये कंडीशन धीरे धीरे लेस होता स्टार्ट हो जाएगा एंड मुझे जितना आउटपुट चाहिए उतना मिल जाएगा, समझाए तो ठीक है, नहीं तो कल देखते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। All right, guys. So I'm